ऊपर बैठे ऑफिसर और पूरी तरीके से गवर्नमेंट इसमें पूरी तरीके से हम लोगों को खदेड़ने में लगी और हमारा इतना सारा नुकसान आपके सामने है, लायबिलिटीज आपके सामने हैं और हमारा आज तीन चार लोग हमारे बैंकों के कर्जे जो हैं हमारे ऊपर हैं, लोगों को पैसे हमने देने हैं उसकी कोई परवाह नहीं की जा रही और इनको चाहिए था अगर ये पॉलिसी लानी थी तो पहले रिहैबिलिटेशन के बारे में सोचते, जो कि ये लाइसेंसी हमारे एग्जिस्टिंग थे। ये 70 साल की बात करते हैं, आज मेरे को बताएं, ये कहते हैं कि 2 साल में जो हुआ अच्छा हुआ, उससे पहले अच्छा नहीं हुआ। क्या हम सब 70 साल पहले जितने बच्चे पैदा हुए क्या नाजायज बच्चे पैदा हुए? जो इस बार बच्चे जो है जायज पैदा होंगे, ये टोटली गलत है। हम इसको सिरे से खारिज करते हैं, ये एक धांधली है, ये गुंडागर्दी है और इनका रूटली बिहेव करते हैं लोगों के साथ। जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरी रूटली बिहेव करते हैं और ये टोटल से टोटल हम इसको खारिज करते हैं। इस ट्रेड के अंदर कार्टलाइजेशन जो है, जो माफिया ग्रुप है, इन चीजों को दूर करना है और सिस्टम को इस तरीके से बनाना है कि मैक्सिमम रेवेन्यू थी उसके तहत 224 के करीब लाइसेंसी थे, इंडिविजुअल लाइसेंसी। आज जो बोली हुई है उसमें से 130 के करीब लाइसेंस वेव डिस्टिलरी, जिसे पोंटी चड्डा ग्रुप कहा जाता है, यूपी का ग्रुप 130 के करीब वो लाइसेंस ले गया है। कि जिसके पास 40 दुकानें आ गई, जिसके पास 100 दुकान आ गई, उसने एक ही डिपो से माल उठाना है, उसने अपना डिपो खरीद रहा है, वो अपनी फैक्ट्री वाले रो रहे हैं। हर तरफ से ये जो चीज है, ये सरे से पॉलिसी इसको टोटली डिफंक हुई है और हम फिर भी ये गुहार लगाते हैं कि इस पॉलिसी को रिविजिट करो, हमें दोबारा अपना हक दो ताकि हम अपने परिवार का लालन पालन कर सकें और जो हमारी लाइबिलिटीज हैं उसको क्लियर कर सकें।